सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। जहाँ चाहा वहाँ रहा, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है बल्कि दुनिया में आपके आसपास ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है महाराष्ट्र के जलगांव जिले के रावेर गांव के सुनील का। सुनील पाटिल की पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई, किंतु अपनी जिद और लगन की वजह से उन्होंने अपना परिवार का नाम ऊंचा कर दिया है। किसान परिवार से आने वाले सुनील पाटिल को खेती का ज्ञान था और इस वजह से वो किसानों की परेशानियां भी जानते थे। साल 2002 में सुनील पाटिल ने एक ध्येय के साथ सावदा बुरहानपुर अंकलेश्वर हाईवे पर चैतन्य इंजीनियरिंग वर्क्स नामक प्रतिष्ठान की शुरुआत की और अपने दिमाग में ही कल्पनाओं को साकार किया। खेती में काम आने वाले उनके द्वारा बनाए औजारों की मांग लगातार बढ़ने लगी और उनके द्वारा बनाए गए किसानी औजार की वजह से उन्हें 2011 में छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु सरकार की ओर से उद्योग रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जर्मनी सरकार ने उन्हें सम्मान पत्र प्रदान किया है। आज 15 सालों में सुनील पाटिल की ख्याति बढ़ गई है। साथ ही चैतन्य इंजीनियरिंग वर्क्स अब एक छोटी दुकान नहीं पूरा कारखाना बन गया है। विदेशों में सम्मानित सुनील पाटिल अपने वर्कशॉप में ब्लैक होलोडर, बैलगाड़ी, बेडमेकर, ब्रस्टर ट्रेलर, कमर्शियल टैंक, डिश हैरो, ड्रिलिंग रिंग, बोरिंग मशीन, फर्टिलाइजर टैंक, फ्लोर क्रेन, व्हील ट्रेलर, फंटेड लोडर, हल्दी बॉयलर, हल्दी ग्राइंडिंग मशीन, हल्दी हार्वेस्टर, हल्दी पॉलिश मशीन, जीप ट्रॉली, कुटी बोर, मिनी डैश हैरो, पल्टी नांगर, टैंकर, ट्रेलर, ट्रॉली, पैन मिक्सर, स्वीपर मशीन, सारी फाड, स्क्रीन फिल्टर, जनरेटर सेट, ट्रेलर, ट्रॉली जनरेटर सेट, वी पास, वाटर टैंक आदि चीजें बनाते हैं। सुनील पाटिल की मेहनत और जिद रंग लाई है। किसानों में उनकी ख्याति तारनहार के रूप में प्रसिद्ध है और किसानों के बीच इनके प्रोडक्ट्स काफी प्रचलित भी है। इंसान की अच्छी जिद उसे कहां से कहां ला सकती है, इसका एक बेहतरीन नमूना है सुनील पाटिल, जिनसे मिली प्रेरणा कईयों के जीवन को रंगीन और खुशहाल बना चुकी है। जलगांव से राजेंद्र पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।